नहीं हो पाएगा बस, अब इसी से ले लेना। टाटपट्टी बाखल को लेकर किस तरह का और आज डीआईजी साहब हम लोग यहाँ आए हैं टाटपट्टी बाखल में, इसमें एक ही गली में बहुत सारे केसेस आए थे, तो इसको हम लोगों ने पूरा इसके आसपास का 300-400 मीटर का जो एरिया है उसको पूरा हम लोग चेक कर रहे हैं उसको, और इसके अंदर हम लोग हर 200-250 घरों पे एक टीम लगा रहे हैं आशा कार्यकर्ता की और एनएम आंगनबाड़ी की, उसके ऊपर एनएम रहेंगे, उसमें डॉक्टर्स रहेंगे। इस 300 मीटर वाली पूरी परिधि में जो भी लोग हैं उनको हम लोग नियमित उनका दैनिक रूप से उनका हेल्थ का चेकिंग करेंगे, एक ऐप भी दे दिया है ताकि डेली उनका स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग हो सके, और लोगों को समझाएंगे, घर पर रह के प्रयास करेंगे कि ट्रीट हो जाएँ लोग, अच्छे हो जाएँ उसमें, और अगर कहीं लगेगा किसी में तो समझा बुझा के फिर उनको अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि अस्पताल जाने में 7 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए टीमें लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि लोगों में भरोसा रहे कि भाई आप घर पर ठीक हो जाओगे, कुछ होता है नहीं भी होता है तो अस्पताल जाओगे, 7 दिन में ठीक हो जाओगे, वक्त में अस्पताल आ जाओ। हो सकता है इस एरिए में 2-4 लोग ऐसे निकले जिनको हम लोग अस्पताल भर्ती करना पड़े, पर उनका ये है कि वो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा स्थिति खराब होने में, तबीयत खराब होने में फिर दिक्कत आती है। हम लोग क्वारंटाइन किए गए थे यहाँ से, मेरे टाटपट्टी में 70 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं यहाँ से, पर ये है कि जैसे इस गली में सबसे ज़्यादा आए हैं तो हमारा अब ये हम लोग जिम्मेदारी बनती है, चिंता भी जो रहती है, यहाँ के लोग थोड़ा इधर उधर कहीं मान लो गए होंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर एक शव यात्रा गई थी उसमें बहुत लोग शामिल हुए थे, उस वजह से हुआ है ये। तो इसको अगर हम लोग 300 मीटर एरियल डिस्टेंस से मैपिंग कर लेंगे पूरे मोहल्ले की, तो उस एरिया के बाहर फिर कोई चीज़ नहीं जाएगी। उस इसके अलावा बम्बई बाजार भी पास में लगा हुआ है, साथ में इसमें जो कर रहे हैं हम लोग बम्बई बाजार का कुछ एरिया लिया है हम लोगों ने, इसमें उसको भी लिया है, और बॉम्बे बाजार में टोटल मैपिंग कर रहे हैं, बॉम्बे बाजार जो है वो टोटल हम लोग ले रहे हैं, 100% बॉम्बे बाजार लिया जा रहा है, वो अलग से उसका ऑर्डर निकलेगा। उसके लिए मैंने एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम लोग पास भी मास्क रखे हैं, और हमने कहा इनके पास कुछ वॉलंटियर्स आ भी रहे हैं, हमने कहा आपको मुफ्त में मिल रहे हो वॉलंटियर्स उसमें ले लें, अगर आपको खरीदना है मैं रेड क्रॉस से पैसा दे दूंगा, अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जहाँ से ही मास्क मिल रहा है सब घरों में बांटें, और साबुन की पट्टी बंटवा रहे हैं ताकि हाथ धोते रहें, तो वो भी हम लोग फ्री में इनको सब घरों में बटन कराएंगे पूरा। सर आपके नाम से एक गलत मैसेज चल रहा है कि 30 अप्रैल